इस बार रानीखेत जिला अस्तित्व में आएगा या 5 साल पहले की तरह सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा। प्रदेश में 8 नए जिलों की सुगबुगाहट होते ही लोगों के जहन में ये बात कौंधने लगती है कि जिलों का गठन किया जाएगा या नहीं। 2011 में रानीखेत जिले की घोषणा के बावजूद ये जिला मूर्त रूप नहीं ले पाया, इसीलिए लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं। पाली पछाव उपमंडल के विकास की अवधारणा को लेकर आजादी के बाद से ही रानीखेत जिले की मांग मुखर होती आई है। तमाम जन संघर्षों के बावजूद भी ये मांग पूरी नहीं हो पाई, जबकि जिला मुख्यालय बनाने के लिए यहाँ ब्रिटिश कालीन भवन काफी संख्या में उपलब्ध हैं। 1869 में अंग्रेजों ने यहाँ पर छावनी बनाई थी। पाली से तहसील को यहाँ बिलाया गया था, जहाँ ICSA और IAS स्तर के सहायक आयुक्त संयुक्त मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। आजादी के बाद से ही अल्मोड़ा जिले को बांटकर अलग रानीखेत जिला बनाने की मांग उठी थी। रानीखेत जिले के लिए आंदोलनों का दौर 1960 के दशक से शुरू हो गया था। 1985 में बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1987 में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष वेंकट रमानी की समिति ने जिले की संस्तुति और 1989 में 8वें वित्त आयोग ने मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद 1993-94 में भी आंदोलन किया गया। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पहल पर रानीखेत में CO और ADM की नियुक्ति कर दी गई। बाद में ADM को हटा दिया गया। 2004-05 में फिर से लोग आंदोलनरत रहे। 2010 में अधिवक्ताओं के नेतृत्व में एक बार फिर से जन आंदोलन हुआ। 8 महीने तक चले इस आंदोलन के बाद 2011 में तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रानीखेत जिले की घोषणा की, लेकिन गजट नोटिफिकेशन नहीं होने से लोगों की उम्मीद धरी की धरी रह गई। 2012 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार अस्तित्व में आई, लेकिन सरकार ने समिति बैठाकर जिले के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को रानीखेत जिला बनाने को लेकर 403 पत्र भेजे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर बिगुल भी फूका था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज बीजेपी सत्ता में है और फिर जिले की मांग उठने लगी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रानीखेत जिला बनाने की मांग लंबे समय से है, आज नहीं तो कल रानीखेत जिला बन ही जाएगा। जिले के बारे में तो मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य शायद आज दिया है कहीं, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वही फिलहाल ठीक है, और जिले की मांग तो हमारी लंबे समय से है और वो आज नहीं तो कल कभी न कभी जिला बनेगा ही बनेगा। रानीखेत विधायक करण महारा ने रानीखेत को जिला बनाने की मांग करते हुए कहा कि रानीखेत को जिला बनाने की मांग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2011 में रानीखेत को जिला बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद GO भी जारी कर दिया गया था। अब बीजेपी सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। हम चाहते हैं रामगंगा और रानीखेत दोनों ही जिले की मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जिला तो बनना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 2011 में जिलों की घोषणा कर दी थी, GO भी कर दिया था। अब वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने साहब नहीं बनने दिया, 4 जिलों को जो है कांग्रेस ने टर्न डाउन कर दिया। आज आपकी सरकार है, 57 का मैंडेट है, आज आप जिला बनाने की बात क्यों नहीं करते। वहीं मुख्यमंत्री ने नए जिलों को लेकर साफ कर दिया कि नए जिले नहीं बनाए जाएंगे। नए जिलों को बनाने में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि विकास कार्यों में पैसा खर्च किया जाए। अब जिले बनाने का भी कोई मकसद नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिलों से ज़्यादा जरूरत यह है कि विकास के कामों पर पैसा खर्च हो, प्रशासनिक व्यय कम से कम किया जाए और उस पैसे को डेवलपमेंट के काम में लगाया जाए। रानीखेत को जिला बनाने की मांग भले ही काफी पहले से हो, लेकिन आज तक की मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है। अब CM के कहने के बाद देखना यह है कि क्या रानीखेत के लोगों की भावनाएं पूरी हो पाएंगी और रानीखेत जिला बन पाएगा या नहीं। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।